नमस्कार बच्चों, आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि भारतीय संविधान को समझने से पूर्व संविधान शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है। संविधान शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जैसे शरीर की रचना, श्रमिक संघ का विधान, किसी राजनीतिक दल का विधान के रूप में भी संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है। इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 यानी 389 थी, लेकिन माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान का निर्माण जब किया गया तो इसके संविधान के सदस्यों की संख्या 299 यानी 299 रह गई। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया, इसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का जब अध्ययन किया तो उन देशों से कुछ विशेषताओं को जो उनको अच्छी लगी भारतीय संविधान में उनको शामिल किया गया है। वो विशेषता कौन सी थी? तो भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली को लिया गया। भारतीय संविधान में अमरीकी संविधान की भी कुछ विशेषताओं को शामिल किया गया है, कि जैसे संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, न्यायिक पुनरीक्षण, ये सारी चीज़ें जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा कनाडा का संविधान का भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने अध्ययन किया था। तो कनाडा के संविधान से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है वह कनाडा के संविधान से दिया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान का भी अध्ययन किया। तो संविधान में जो संशोधन की पद्धति है वह हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान का भी अध्ययन किया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को अपनाया है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, कुछ शक्तियां राज्य के पास होती हैं, और एक होती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत ऐसे विषय को रखा जाता है जिस पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकता है। ऐसे समवर्ती सूची को हमने शामिल किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा हमने जर्मनी के संविधान का भी अध्ययन किया है। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसको हमने जर्मनी के संविधान से अपनाया गया है। इसके अलावा हमने आयरलैंड के संविधान का भी अध्ययन किया है, और इस तरह से हमने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। ये भारतीय संविधान इतना विशाल संविधान है कि इसका निर्माण करने में भारतीय संविधान निर्माताओं को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए, और इसमें लगभग 64 लाख यानी 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और संविधान का जो प्रारूप था उस पर 114 दिनों तक चर्चा चली थी। तो ऐसे विशाल भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं तो हम देखेंगे कि सबसे पहली जो विशेषता है, हमारा जो भारतीय संविधान है जन संप्रभुता पर आधारित है। तो भारतीय संविधान जन संप्रभुता पर आधारित है, यानी भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसकी लिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में जो पावर है, शक्ति है, वह अंतिम रूप से जनता के पास है। भारतीय जो संविधान है वह जनता का है, जनता के लिए है, जनता द्वारा संचालित होता है। तो भारतीय संविधान में अंतिम जो सत्ता है वह जनता के पास है, क्योंकि संविधान द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनता ही एक निश्चित समय के बाद
उन प्रतिनिधियों को अपने पद से हटाती भी है। तो ये जन संप्रभुता पर आधारित भारतीय संविधान की विशेषता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वह लिखित एवं सर्वव्यापक संविधान है। तो भारतीय संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है, लेकिन लिखित संविधान या अलिखित संविधान किसे कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी संविधान ना तो पूर्णतः लिखित होता है और ना पूर्णतः अलिखित होता है। लिखित संविधान वो संविधान है जिसमें संविधान के अंतर्गत अधिकांश बातें लिखी गई होती हैं। अलिखित संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत अधिकांश बातें अलिखित होती हैं, जिसे ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत भी लिखा गया है लेकिन बहुत कम बातें लिखी गई हैं। तो इस तरह से भारतीय संविधान लिखित है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने एक विशाल संविधान का निर्माण किया गया है। तो भारतीय संविधान लिखित है, इसके अलावा सर्वव्यापक संविधान है, यानी भारतीय संविधान बहुत बड़ा संविधान है। ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो ये जबकि हम अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। यदि हम कनाडा के संविधान को देखते हैं तो वहाँ 147 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान को देखते हैं तो वहाँ 153 अनुच्छेद हैं। लेकिन भारतीय संविधान बहुत अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान बहुत अधिक व्यापक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, दोनों रूप से स्वतंत्र है। इसके अलावा हम देखते हैं कि समाजवादी व्यवस्था भी है। तो ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में समाज में समतावादी व्यवस्था को कायम किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को भी अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान में यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान रूप से अपने धर्म को अपनाने की और अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि जो सत्ता है, पावर है, ये सारा की सारा अंतिम रूप से जनता के हाथ में है। यह भारतीय संविधान जनता का है, जनता के लिए है और जनता द्वारा संचालित है। तो ये भारतीय संविधान की ये व्यवस्था है। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषता अगली ये भी है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली के कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं? चूँकि हमने आपको पहले बताया है कि ये जो संसदीय शासन प्रणाली है इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो संसदीय शासन प्रणाली के यह लक्षण होता है कि संसदात्मक जब व्यवस्था किसी राष्ट्र में देखते हैं तो संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच संबंध मधुर होते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंध घनिष्ठ होते हैं और कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वह नाम मात्र का होता है। वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। जैसे हम भारत में देखते हैं तो हमारा जो कार्यपालिका का मुखिया है वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की है और वास्तविक शक्तियां किसके पास में हैं? प्रधानमंत्री के पास है। इसी तरह से हम यदि ब्रिटेन में देखते हैं तो ब्रिटेन में जो राजा या रानी है कार्यपालिका का मुखिया वही होते हैं और उनके पास भी शक्तियाँ कैसी होती हैं? नाम मात्र की होती है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास हैं? वास्तविक शक्तियाँ होती है प्रधानमंत्री के पास। तो इस तरह से भारत में हमें संसदीय व्यवस्था भी देखने को मिलती है।
इसके अलावा भारत में एकात्मक शासन एवं संघात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण किया गया है। कुछ लक्षण हमें ऐसे दिखाई देते हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत में एकात्मक शासन है। कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं कि हमें पता चलता है या यह दिखाई देता है कि भारत में तो संघात्मक शासन है। एकात्मक शासन के कौन से लक्षण भारत में दिखाई देते हैं भारतीय संविधान में? तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में हम यह देखते हैं कि नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्राप्त है। यह एकात्मक शासन का लक्षण भारतीय संविधान में दिखाई देता है। इसके अलावा देखते हैं हम कि संकटकालीन परिस्थितियों में सारी जो पावर है वह केंद्र के पास चला जाता है, तो यह लक्षण भी हमें एकात्मक शासन का भारतीय संविधान में दिखाई देता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण भी दिखाई देते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे संघात्मक व्यवस्था यह कहती है कि शक्तियों का बंटवारा होगा केंद्र और राज्य के बीच, तो हम लोग भी देखते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतवर्ष में भी संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो हमारे यहाँ तीन सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उन पर केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर राज्य कानून बनाता है, लेकिन एक सूची रखी गई है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि आपस में मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था एवं संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों के लक्षण भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरीक्षण व्यवस्था को भी अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो गठन भारत में किया गया है वह अमरीकी संविधान से हमने इस विशेषता को लिया गया है, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए भी जरूरी है कि राष्ट्र के अंतर्गत लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से रखना अनिवार्य है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, चूँकि हमने देखा कि भारतवर्ष में संसदात्मक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध घनिष्ठ हैं, लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। और इसके साथ साथ भारतीय संविधान में एक व्यवस्था और है जिसे हम न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था कहते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था के द्वारा यदि संसद या विधानमंडल द्वारा या कार्यपालिका द्वारा, यानी यदि संसद और विधानमंडल द्वारा कोई ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान के प्रतिकूल हैं, या कार्यपालिका द्वारा कुछ ऐसे आदेश दिए जाते हैं जो संविधान के अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं, जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हैं, तो ऐसे कानून को न्यायपालिका को निरस्त करने का अधिकार है और यह निरस्त करने का अधिकार कहलाता है न्यायिक पुनरीक्षण। इसके अलावा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अध्याय 3 में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान ने नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों का एक जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान ने नागरिकों के लिए
कुछ कर्तव्यों की भी व्यवस्था दी गई है। तो अनुच्छेद 51 में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की भी व्यवस्था की गई है, यानी राज्य के लिए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है, वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय संविधान हमारा बहुत बड़ा संविधान है, विशाल संविधान है, और एक ऐसा संविधान है जिसमें सारी बातों का वर्णन किया गया है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित न हो, राज्य में व्यवस्था का संचालन भली भांति हो, आपस में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किसी तरह की टकराहट न हो। इस तरह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने अथक प्रयास किया और एक ऐसे विशाल और खूबसूरत संविधान का निर्माण किया जिसके द्वारा भारत की जो व्यवस्था का संचालन इस तरह से किया जाए जिससे भारत नित नई ऊंचाइयों को छुए और भारत की प्रगति निरंतर बढ़ती चली जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि ऐसी हो जिससे कहा जा सकता है कि भारत के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों का जो चरित्र है वह उत्तम है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान का गठन किया है जिसमें सारी बातें लिपिबद्ध की गई है जिससे उस राष्ट्र की व्यवस्था का संचालन भली भांति हो सके। तो अब मैं समझती हूँ कि आपको भारतीय संविधान की जो विशेषता हमने समझाई है वो भली भांति समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।